हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास बहुत ही अच्छी हूँ। एंड टुडे इज माय ऑफ कोर्स व्लॉग वीडियो और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज है मेरा एग्ज़ाम, आज मेरे बीएड फाइनल ईयर का फाइनल एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है। सो अब ये मत सोचना कि अब मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं पूजा करके जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रेगुलर दिन का शुरुआत जो होता है कान्हा से ही होता है, मतलब भगवान की पूजा से ही शुरू होता है। बहुत लोग ये चीज़ पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, बट यस ये सच है और भगवान की पूजा से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैंने फटाफट से ना मैगी बनाया अपने लिए और खाया फटाफट से, क्योंकि आज एग्ज़ाम तो यू नो एग्ज़ाम का दिन कितना ज़्यादा यू नो रहता है कि कुछ काम नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है। बट यहाँ पे तो अकेली मैं हूँ तो घर का सारा ही काम करना होता है, तो सारा काम घर का करा, झाड़ू पोछा, बर्तन, हस्बैंड को ड्यूटी भेजा, लंच बना के और ब्रेकफास्ट बना के, पीहू को अभी मैंने एक भाभी के घर भेजा क्योंकि पीहू स्कूल बिल्कुल नहीं जा रही अभी। सो बहुत लोग पूछ रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था फर्स्ट डे सेकेंड डे एग्ज़ाम का, तो उसमें मुझे बहुत सारे डीएम आए थे, दी पीहू कहाँ है, घर पर है या फिर स्कूल जा रही है, आप इतना लेट आते हो तो पीहू के साथ कौन रहता है। सो आई थॉट कि मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर कर दूँ। यहाँ पर मैगी खाया, गेट लॉक किया और मैं निकल चुकी हूँ अपने कॉलेज के लिए। और यहाँ पे जो वाटर देख रहे हैं ना, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे इस तरह से नदी टाइप देख रहे होंगे, बट ये नदी पहले बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ एकदम सूखा था। यहाँ बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते थे, गाय वगैरह रहते थे, तो यहाँ एकदम पूरा सूखा सूखा रहता था और एकदम से इतना पानी, जो अभी दिल्ली में बारिश वगैरह हुआ था ना और बहुत ज़्यादा इलाकों में पानी भर गया था, तो हाँ ये उसी का असर है। तो यहाँ पर जब मैं देख रही थी ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सामने से और ज़्यादा अच्छा लगता, मैंने थोड़ा साइड से वो व्यू लिखा था। और ये देख रहे हो आप लोग दिल्ली के उस साइड कितना पानी पानी हर जगह भरा, मुझे खुद यकीन नहीं होता। मैं प्रे कर रही थी कि सब लोग अच्छे हो, सेफ हो। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ बोटैनिकल। यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही थी कि अब वो आएंगे, कब आएंगे, और मुझे पढ़ना भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो अब एग्ज़ाम दे जाते तो सब पढ़ना तो होता ही है, तो मुझे पढ़ना भी था। मैं सोची थी कि कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, और मुझे सारे दोस्त मिल जाए तो थोड़ा सा जो टॉपिक होता है ना थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे जो डाउट वगैरह हैं। सो मेरे फ्रेंड्स आए और फटाफट से हम लोग निकले। मैंने कोई उस टाइम ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे जो मुझे क्लियर करना था हम लोगों के साथ डिस्कस करके टॉपिक पर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया। और फाइनली हम लोग यहाँ पे कॉलेज पहुँच चुके हैं। लड़के भी एग्ज़ाम दे करके आई है, ये लड़का अकेले आइसक्रीम खा रहा है छोटा, इसको बहुत दुख है हमारे लिए नहीं लाया। ये दुनिया देख रही है कितना जाली है, तू तो शर्म नहीं आने पर आते हो। आईफोन है, आईफोन है, आईफोन है, आईफोन में खिला रहा हूँ मैं। मेरे को ना हमारा कॉलेज लोग भरे पड़े, 225 हो रहा होगा, अभी 224 हो रहा था जब तूने उस टाइम देखा था। लड़के के पढ़ रही है चुपके चुपके और मैं आज व्रत है, मैं बिल्कुल आज पढ़ रही हूँ। देन मैंने थोड़ा सा बस बहुत पढ़े थे जो शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर थे, लोग लॉन्ग पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉलेज गए और यहाँ पे मैं गेट से निकल रही हूँ जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे। तो एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे दे लिया और एग्ज़ाम देने के बाद अब हम लोग जब कॉलेज से बाहर आए ना तब का ये आप वीडियो देख रहे होंगे, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ये वीडियो शूट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कैमरा कोई वहाँ पर मैंने लगाया, तो वो लोग पहले निकल चुके थे, तो मैंने उन लोग को बोला कि जब निकलूँ मेरा वीडियो बना लेना, डेट सेट। एंड यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ मैं बातें कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। और यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड से ना फोन मांग के बताने के आ रही थी कि ऐसे तो वीडियो बना देना जब तक वो मेरी फ्रेंड चली ही गई, मतलब क्या ही हो रहा है भैया। एग्जाम कैसा हुआ बताओ, लाइव रिपोर्टिंग है, ये पता इसने क्या हो रहा है, एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है, है? ठीक है, once more! Once more! Once more! पता है क्या बोल रहा है मुझसे, ये बोल रहा है मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत पढ़ा है। और वो चले गए रंजना, बताओ कितने मेरे से पूछ ले कैसा एग्जाम गया मेरा, तेरा कैसा गया? ये बीएम सर ने मुझे फिजिक्स बताया है, वो ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन के, जो वो हिंदी में बताए थे, आइया भैया बीच में सैया, आइया भैया एक्सट्रीम पोजीशन को इधर उधर, एक्सट्रीम पोजीशन और बीच का जो होता है उसको मीन पोजीशन।
तो मेरा सुन लो, तो मेरा एग्जाम भी सोस हो गया क्योंकि मैं सोस होके आई थी ना, तो सोस हो गया। एक चैप्टर से पूछा उसने, बस दो चैप्टर से उसके अलावा उसने कुछ पूछा नहीं। दो ऑप्शन था, बाकी शॉर्ट पूछा उसने। ये बहन के पहले उतर जाते, पांच एक में चली गई। ओके गाइस, अब चलते हैं, फिर आएंगे। तो ये हमारा कॉलेज यहाँ पे हम लोग आए थे एग्जाम देने। हो रहा कॉलेज अंदर से इतना अच्छा है लेकिन पूरा। तो यहाँ पे एक हमारी फ्रेंड ने कराई थी चिड़वे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हमने ये खाए थोड़े बहुत। और ये वाला जो मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं ना, ये 52 है, नोएडा में पड़ेगा ये। और ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है मतलब मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे एक फ़ोटो या वीडियो होता ही होता है मेरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। और ये लोग आई नो कि बहुत लोग सुन के शॉक्ड हो रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन किसी का कोई फेवरेट कैसे हो सकता है, बट हाँ मेरा है। सबसे दुखद घटना हुआ मेरे साथ, एक वीडियो नहीं बना रहे हैं कभी ने दोस्त। और हम लोग जाम लोग इसीलिए जाना पड़ रहा है, मेरी लिपस्टिक हट गई लग रहा है। फॉलोवर्स एक ही बढ़ते हैं, देखिए मेरे फॉलोवर्स कम हो रहे हैं। कोई तो क्या, मेरी डेली 100 बढ़ जाते हैं। ये ऐसा रहता है, देखा था बोल रहा हां आते हैं, बात नहीं आती तो मत करे, दोबारा देख लेना। ये बुरा मत मानने में सच बोल दे, ये जो बोला मेरे भाई डेली बोलते हैं मुझे। क्या मैं बुरा नहीं मानती, मैं अपने घर में भी यही सुनती हूँ। कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं? क्या बोले, तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा जो ट्रैवल है मैंने कट कट करके शूट किया है, क्योंकि ये वाला जो ट्रैवलिंग है ना भाई साहब, मतलब वो 4 घंटे का है। 4 घंटा मुझे जाने में लगता है, 4 घंटा आने में लगता है, और 3 घंटे का पेपर, मतलब आप समझ सकते हो कितना दूर है। तो आते आते मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। सुबह मैं 10 बजे घर से निकली थी और रात के 10 बजे मैं यहाँ पे मैं पालम मेट्रो स्टेशन आ रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। ओ माय गॉड, मतलब बैंड बज जाते, कैसे शक्ल लेकर गए थे और कैसे आ रहे हैं। कौन आए मुझे लेने? आज तो पूरा गेट तक लेने आई हूँ पीहू। सो फाइनली मैं आ गई। आज तो पीहू पूरा गेट तक लेने आई मम्मा को अपने। चलो। सो ये वाली फीलिंग है ना, मुझे लगता है कि मतलब बेस्ट है, इसको बता भी नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब इसको बता ही नहीं सकती मैं, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। अपने बच्चे को देख करके पूरा दिन मैं पीहू से दूर रही हूँ और अभी रात में आके मिली हूँ। सो यस, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। होप्स आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।